बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शब्बर की मट्टी जज़ीरा कैश में मुझे एक सौदागर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उसके 40 सुकरिंदे थे और 150 ऊँटों पर माल तिजारत लदा था। वो एक रात मुझे अपनी आरामगाह में ले गया, मगर ख्याली पुलाव पकाने ने ना तो रात भर मुझे सोने दिया और ना खुद सोया। कभी कहता कि मेरा फलां माल तिजारत तुर्किस्तान में पड़ा है, फलां शहर हिंदुस्तान में पड़ी है। कभी सुनाता कि सिकंदरिया चले, वहाँ की आब हवा बड़ी खुशगवार है। फिर वही कह देता जाएं कैसे। कभी कहता कि जिस सफ़र का मैंने इरादा कर रखा है, अगर वो पूरा हो जाए तो फिर उम्र भर एक गोशे अफियत में बैठ कर कांत से बसर करूँ। मैंने पूछा, बताइए वो कौन सा सफ़र है? कहने लगा, फारस से चीन तक ले जाऊंगा, सुना है वहाँ की बड़ी कदर कीमत है, और चीन से प्यालियाँ खरीद कर रूम बेचूंगा, वहाँ से उनके और रूमी कपड़ा हिंदुस्तान ले जाऊंगा, फिर हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी फौलाद हालात में पहुँचाऊँगा, और उसके बदले आईने खरीद कर यमन ले जाऊँगा, फिर यमनी चादरें अपने वतन में ला कर मज़े से दुकान खोल कर बैठ जाऊँगा और सफ़र को खैरबाद कह दूँगा। ज़रा इस जमीन को मुलाहिज़ा फरमाइए। बस इसी तरह बगते बगते उसने रात गुजार दी और